नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन तक में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2020 को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दाखिला अपडेट नहीं करने पर 26 जिलों को नोटिस भेजा गया है। जी हां फ्रेंड, लाखों छात्रों का नामांकन रद्द हो सकता है। जो भी छात्र इंटर में नामांकन के लिए एडमिशन लिए होंगे, उनका जो ऑफिशियल पोर्टल पर कॉलेज है जो कि अपडेट नहीं किए हैं, इसी के कारण बहुत से छात्रों का यहाँ पर नामांकन रद्द हो सकता है। छब्बीस जिलों को यह नोटिस भेजा गया है। तो क्या आपका भी कॉलेज इसमें शामिल है? आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कौन कौन से कॉलेज का यहाँ पर नोटिस भेजा गया है, जो अपने छात्रों का जो अपडेट नामांकन हुआ है उसका अपडेट ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट नहीं किए हैं, क्योंकि 18 तारीख तक लास्ट डेट था जो कि कल मैं आपको वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में घंटी आ रहा होगा, उसको भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये अभी की अपडेट आया हुआ है, 17 अगस्त 2020 का ये अपडेट है। आपको ये हिंदुस्तान समाचार की तरफ से अपडेट किया गया है। देख सकते हैं, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2020, दाखिला अपडेट नहीं करने पर 26 जिलों का नोटिस। यानी कि जो दाखिला का अपडेट नहीं किया है उनको 26 जिलों का, ये ऐसे जो जिला है उनको नोटिस भेजा गया है। तो चलिए पूरी खबर को हम बता देते हैं, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार में इंटर में नामांकन लेने के बाद छात्रों का विवरण बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट नहीं करने वाले पटना समेत 26 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार बोर्ड ने नोटिस भेजा है। यानी कि फिर ये पटना जिला को भी मिलाकर यहाँ पर 26 जिला जो ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पर नोटिस भेजा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, जबकि हर दिन इसे अपडेट करना अनिवार्य है। बावजूद प्रदेश भर के कई जिलों के स्कूल कॉलेज इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि नामांकन लेने के दूसरे दिन ओएफएसएस पोर्टल पर अपलोड करना है। बिहार बोर्ड ने इसके लिए हर दिन की तिथि भी तय कर दी है। ओएफएसएस पर नामांकन अपडेट होने के बाद ही बोर्ड को नामांकन की संख्या का पता चल पाएगा और कितनी सीटें भरी है और कितनी सीटें खाली रह गई है। इसी आधार पर द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, जो भी कॉलेज हैं स्कूल हैं वो जो छात्र का यहाँ पर नामांकन हो रहा है उनका अपडेट वो एफएसएस पोर्टल पर नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण यहाँ पर 26 ऐसे जिले हैं जिनको यहाँ पर बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया है। उन्हें जल्द से जल्द कहा गया है कि जो भी छात्र का नामांकन हुआ है उनका एफएसएस पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि पता चल सके कि किन छात्रों का यहाँ पर नामांकन हो गया और कितना सीटें खाली है, कितना सीटें रह गई है, भरा है। इसी के आधार पर जो कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नामांकन होगा, जो बचा हुआ सीट रहेगा। अपडेट करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को मालूम हो कि यहाँ पर 18 अगस्त तक ये तिथि निर्धारित किया गया बिहार बोर्ड की तरफ से। बोर्ड की माने तो इंटर नामांकन अपडेट करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त तय की गई है और बोर्ड पहले ही स्कूल कॉलेज को आगाह कर चुका है, क्योंकि फिर आज 17 तारीख है, आज ही तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार आज ही तक आपका नामांकन होना है और इसके बाद 18 अगस्त तक ये लास्ट डेट है जो कि कॉलेज को स्कूल को यहाँ पर नामांकन का अपडेट वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा देना है, ताकि पता चल सके कितना सीटें खाली है और कितना सीटें भर गया, और उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। 18 अगस्त तक नामांकन अपडेट नहीं होने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जो भी स्कूल एंड कॉलेज में जो छात्रों का यहाँ पर नामांकन अपडेट नहीं करेंगे उन कॉलेज स्कूलों का यहाँ पर छात्रों का नामांकन रद्द हो जाएगा, और ज़्यादातर स्कूलों में अभी नामांकन बचा हुआ है। पटना हाई स्कूल की बात करें तो 70% नामांकन हो गए हैं, लेकिन अब भी नामांकन बचा हुआ। वहीं बांकीपुर बालिका उच्च महाविद्यालय कि माने तो नामांकन अभी पूरा नहीं हो पाया, छात्र नामांकन ले आ रही है लेकिन बहुत विद्यार्थी नामांकन लेने नहीं आए हैं। और देख सकते हैं किन किन जिलों को नोटिस भेजा गया है, आपको यहां पर पूरा डिस्ट्रिक्ट को यहां पर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वैशाली। ये कुल ऐसे 26 जिले हैं जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें यहाँ पर पटना डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, और ये आज तक ही आपका नामांकन का तिथि है जो कि आपको 17 तारीख तक डेट को
बढ़ाकर कर दिया गया था। आज ही आपको लास्ट डेट है, तो आप लोग अभी तक नामांकन नहीं ले पाए हैं तो कॉलेज में जल्द से जल्द जाकर आप लोग अपना नामांकन ले लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। बिहार बोर्ड के माने तो प्रथम चयन सूची में चयनित छात्र जो कि जिनका नामांकन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है, उनका नामांकन 17 अगस्त तक है और पहले 12 अगस्त तक ही था नामांकन तिथि, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 18 अगस्त तक कर दिया गया है। तो ये आपको लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो इंटर में एडमिशन ले रहे हैं उन छात्रों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और दोस्तों इसी प्रकार का बिहार बोर्ड से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल घंटी आ रहा होगा उसको भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।